Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. So guys, जैसे कि आपको पता है कि हमको नाइट ऑफ चैंपियंस 2023 के प्रीमियम लाइव इवेंट में दिखने वाला है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के टूर्नामेंट का फाइनल, जहाँ पे हमारे जो कि सेट फ्रीकिंग रॉलिंस मने रॉस है फेस करने वाले है स्मैकडाउन के स्टार द फॉर्मर वन एज स्टाइल्स को, और जो भी बन रहा है मैच जीतेगा वो रहेगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। तो आज के एपिसोड में हम लोग बात करने वाले है किसके सबसे ज्यादा चांसेस है मैच में जीतने के एंड वॉकआउट करने में एज द न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। सो गाइस, पूरा डिटेल जानने के लिए ये वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यूई के बहुत ही बड़ा वाले फैन हो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियोस देखने के लिए। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है गाइस, जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है डब्ल्यूडब्ल्यूई की नई चैंपियनशिप नहीं होने वाली है, और गाइस रिपोर्ट्स की माने तो गाइस ये डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है 2013 के कंटिन्यूएशन में ही होने वाली है। 2013 में गाइस तभी हमारे लास्ट चैंपियन थे रैंडी ऑर्टन गाइस, उसके बाद से भी जो नया गाइस चैंपियन बनेगा नाइट ऑफ चैंपियंस में वो बंदा वो लेगेसी कंटिन्यू करेगा। इसलिए गाइस आज की ये जो चैंपियनशिप है गाइस इनडायरेक्टली गाइस बहुत ही बड़ी टाइटल बन गई है। तो गाइस किसके सबसे ज्यादा चांसेस बन सकते हैं, गाइस एजे स्टाइल्स के भी अच्छे खासे चांसेस है और सेट रॉलिंस के भी। इतने वक्त से गाइस सब लोग सेट रॉलिंस को ज्यादा फेवर कर रहे हैं। अभी क्या होता है कि रिसेंटली रिपोर्ट आती है कि सेट रॉलिंस ने स्टार्ट कर लिया है कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शूटिंग, और उसके वजह से रिपोर्ट्स आ रही है कि शायद सेट रॉलिंस बहुत ही ज्यादा हमको कम देख सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीविजन पे। इसके वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई थोड़ा स्केप्टिकल हो सकती है कि वो सेट रॉलिंस के ऊपर वर्ल्ड टाइटल डाले कि नहीं, और इसलिए एज स्टाइल्स के भी अच्छे खासे चांसेस बनते हैं कि वो हमको वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनते हुए देख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है गाइस कि सेट रॉलिंस हमको एटलीस्ट मंडे नाइट रॉ और प्रीमियम लाइव इवेंट में तो गाइस अपीयर होते हुए दिखने वाले हैं रेगुलरली। इसका मतलब है हमारे सेट रॉलिंस के अच्छे खासे चांसेस बनने वाले वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने के लिए, क्योंकि सेट रॉलिंस मंडे नाइट रॉ के सुपरस्टार है, और वो गाइस मुझे लगता है गाइस वो जो हमारे सेट रॉलिंस गाइस वो चैंपियनशिप को बहुत ही ज्यादा प्रेस्टीज भी बनाएगा। और गाइस 4 साल से गाइस सेट रॉलिंस गाइस चैंपियनशिप नहीं जीते हैं वर्ल्ड हेवीवेट, और इसके वजह से गाइस सेट का स्टॉक भी थोड़ा लो जा रहा है। और सेट रॉलिंस गाइस लास्ट फ्यू इयर्स में बहुत ही स्टार्स को पुट आउट किया, मतलब गाइस अभी फाइनली सेट रॉलिंस का टाइम आ गया है कि वो हमको बनते हुए देख सकते हैं द न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन एट नाइट ऑफ चैंपियंस। और गाइस अगर सर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को कीजिए लाइक, और गाइस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं, जिसके वजह से आपको हमारे चैनल के रिलेटेड सब अपडेट्स सबसे पहले मिले।